कौशाम्बी बीएड की फर्जी डिग्री पर नौकरी हासिल करने वाले 3 शिक्षक बर्खास्त। यूपी के कौशाम्बी में शिक्षा विभाग में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 2 महिला शिक्षिका सहित कुल 3 शिक्षकों ने बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हासिल की थी। एसआईटी की जांच में खुलासा होने के बाद तीनों शिक्षकों को बर्खास्त कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीएसए राजकुमार पंडित ने बताया कि प्रदेश स्तरीय जांच एसआईटी ने जिले में कुल 10 फर्जी शिक्षकों को तलाशा था। इनमें से 5 फर्जी मार्कशीट वाले शिक्षक हैं, तो 5 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने कम नंबर को बढ़वाकर पास की मार्कशीट हासिल की थी। अभी भी कुल 7 शिक्षकों के खिलाफ जांच चल रही है। जल्द ही इन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कौशाम्बी बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2010 में 10 शिक्षकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की थी। जनपद के अलावा पूरे प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की भरमार हुई, तो इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी गई। एसआईटी ने गहन तरीके से जांच शुरू की तो कौशाम्बी में 10 फर्जी शिक्षक मिले। इनमें 5 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी लगी और 5 ऐसे भी शिक्षक मिले जिन लोगों ने जुगाड़ के माध्यम से अपने नंबर बढ़वाकर पास मार्कशीट लगाई थी। जांच के बाद 2019 में एसआईटी की रिपोर्ट आई तो हड़कंप मच गया। इन सभी 10 शिक्षकों को अगस्त 2019 में बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन इन लोगों ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने इन लोगों को स्थगन आदेश दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इन शिक्षकों को निराशा हाथ लगी और रिपोर्ट आने पर इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में FIR दर्ज कराई गई है। ये जो शिक्षक कभी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से इनकी बीएड की डिग्री थी और ये इसकी प्रदेश स्तर पे इसकी जांच SIT के द्वारा की गई थी और SIT की जांच के उपरांत जनपद में 10 टीचर ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनमें से 5 पर ये आरोप था कि इनकी मार्कशीट फेक है और 5 पर ये आरोप था कि ये टेम्पर्ड मार्कशीट है इनकी। इसके बाद जब ये चिन्हीकरण हो गया तो इनकी सेवाएँ सभी की 2019 में समाप्त कर दी गई थी। इसके अगेंस्ट में इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी और माननीय न्यायालय द्वारा इसमें स्थगन आदेश भी दिया गया। इस तरह से पूरे प्रदेश में बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हो गई थी, तो इन सभी याचिकाओं को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतिम रूप से 29 अप्रैल को जो फेक लिस्ट में अभ्यर्थी थे उनके संबंध में एक निर्णय दिया है। उस निर्णय में जो हमारे जनपद के 5 लोग थे उनमें से 3 नाम पाए गए हैं, अर्चना देवी, अर्चना सिंह और लवलेश द्विवेदी। तो इनके खिलाफ जो आगे की विधिक कार्रवाई है, FIR दर्ज कराना और रिकवरी कराना, वो हम लोग कर रहे हैं। जो 2 इधर इस फेक सूची के छूटे हुए हैं और 5 जो टेम्पर्ड लिस्ट में थे, इसके संबंध में अभी विश्वविद्यालय और माननीय न्यायालय की तरफ से अभी आगे भी हमें जैसा आदेश मिलेगा उसी के अनुसार हम लोग इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये तीनों लोग अपने इसी जनपद कौशाम्बी के रहने वाले हैं।